हेलो एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है स्लोप। स्लोप मतलब स्लोप इन द रोड। लाइक ये देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये कोई भी एंगल आ गया, जब कोई एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल प्लेन के, तो जो इंक्लाइंड सरफेस है, ये रोड इंक्लाइंड है, तो इसको हम स्लोप कहते हैं। जब कोई व्हीकल नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो हम उसको बोलते हैं अपवर्ड स्लोप। जब ऊपर से नीचे आता है व्हीकल तो हम उसको बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोप। अब मान लो एक ये व्हीकल है, ये मूव कर रहा है इस तरफ, तो इसके ऊपर सबसे पहले तो एक तो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन पड़ेगा, ये इसको हम बोलते हैं एमजी। एक यहां पर आ जाता है, फिर आपका एमजी साइन थीटा, इसका परपेंडिकुलर में जब ड्रॉ करेंगे तो एम जी कॉस थीटा। एक यहां से निकलता है आपका म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। अब इसमें क्या है, एक तो होती है आपकी वी आई, वी आई होती है आपकी इनिशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल, इसको हम डिनोट करते हैं मीटर पर सेकंड से। एक होती है वी एफ, फाइनल स्पीड ऑफ द व्हीकल, इसको भी मीटर पर सेकंड से करते हैं। एक होता है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम एक लिखते हैं एक्स, ये होता है हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस। हमारा जो जी थीटा है, ये है एंगल, एंगल ऑफ जी होती है हमारी स्लोप। अब कोई व्हीकल नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी कोई भी इनिशियल स्पीड है, उसको ऊपर पहुंचने के लिए, मान लो ऊपर जा रहा है, रिड्यूस कर दी फिर स्पीड, स्पीड रिड्यूस करने के बाद वो जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं डीबी से, इसको एक्स से भी डोनेट कर देते हैं, डीवी से भी डोनेट कर देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा, वी आई स्क्वेयर माइनस वी एफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, 2 इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अब हमने क्या किया, यहां पर कॉस थीटा को बाहर निकाल लेते हैं, एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर माइनस वी एफ स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी टेंजेंट थीटा प्लस म्यू, क्योंकि आपको मालूम है कि टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, राइट। अब मैं साइन थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट करना, मैंने तो मेरा ये साइन थीटा जो बन जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा टेंजेंट थीटा। तो यहां पर मैंने जो साइन थीटा है, साइन थीटा का कॉस थीटा टेंजेंट थीटा बन गया था, कॉस थीटा मैं ऊपर ले गया तो टेंजेंट थीटा मेरा नीचे रह गया,
कॉसिटा ये कॉमन में था, जो कॉसिटा ऊपर चला गया तो म्यू रह गया, ये मेरी जो इसकी वैल्यू आ गई। अब फर्दर जब इसमें ऐड करेंगे हम वी आई स्क्वेयर माइनस वी एफ स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 इंटू जी इंटू जो टेंजेंट थीटा है उसको कहते हैं हम स्लोप प्लस म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस की इक्वेशन बन गई। हर जगह हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस की इक्वेशन काम आएगी। नेक्स्ट होता है हमारा स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? हमने जब कोई परसीव करती है, मान लो मैं जा रहा हूं, ये यहां से व्हीकल जा रहा है, उसने पहले परसीव किया, परसीव करने के बाद ब्रेक अप्लाई की है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी रुकी, तो जो टाइम लेगा उसको हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। मतलब कि ये अगर यहां से उसने परसीव करना शुरू किया, यहां तक उसने रिएक्शन किया, राइट, एक तो ये पार्ट आ गया आपका। दूसरा पार्ट आ गया, यहां रिएक्शन करके आपने ब्रेक अप्लाई की है, यहां जाके गाड़ी रुकी, ये दोनों पोर्शंस का सम जब करेंगे हम, ऐड करेंगे दोनों को, तो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस बन जाएगा। इसको हम कहते हैं द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द परसेप्शन रिएक्शन टाइम रिएक्शन टाइम एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए व्हीकल। अब मान लो मेरा परसेप्शन रिएक्शन टाइम है, लेट्स सपोज 2 सेकंड का, कोई ना कोई परसेप्शन रिएक्शन टाइम तो होता ही है ना, कि जहां से मैंने सोचा कि मैंने ब्रेक लगानी है, यहां तक मैंने अप्लाई करना है, रिएक्ट करना है, ये 2 सेकंड ले लिए, 2 सेकंड का मेरा ये आ गया। अब इसकी जो इनिशियल स्पीड है वी आई, वो यहां तक सेम रहेगी जब तक मैं ब्रेक अप्लाई नहीं करता, तो इनटू वी आई प्लस, अब मैंने आपको बोला था कि ब्रेकिंग डिस्टेंस फर्दर, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस वाला ये वाला जो फॉर्मूला है हमने इसमें ऐड कर देना, ये 1 है प्लस, चाहे मैं 1 लिख देता हूँ या मैं पूरा आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर पूरा ही लिख देते हैं हम, डिवाइड बाय 2 इंटू जी जी प्लस म्यू। अब ये टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस का ये टोटल फॉर्मूला बन गया। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूं, जो पहले पहले आपको एग्जांपल दिया है एग्जांपल, अब मैं आपको इसमें 3 सिनेरियो बनेंगे। फर्स्ट सिनेरियो में क्या है, आपने ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है, ब्रेकिंग डिस्टेंस जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल कितनी है, इनिशियल स्पीड ऑफ द व्हीकल बल्कि व्हीकल कोई भी व्हीकल आपका, मान लो किसी भी स्पीड पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर्स, राइट, उसके बाद हमने उसको जो स्पीड है फाइनल स्पीड हमने कर दी उसकी, मान लो फाइनल स्पीड कर दी हमने 10 किलोमीटर पर आवर्स, इसकी जो स्लोप है, स्लोप जो है वो है आपकी 2%। अब आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.5, तो हमने इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस निकालना है। एक तो क्वेश्चन आपका ये आ गया, नंबर 2 क्वेश्चन आया आपका, ये नीचे से ऊपर जा रहा है व्हीकल फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में ऊपर से नीचे आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, आपकी इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल स्पीड
किलोमीटर पर आवर है, स्लोप कोफिशिएंट है, म्यू आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तीसरे तीसरे में यहां से डाउनवर्ड स्लोप जा रही है, डाउनवर्ड जा रहा है, ऊपर अपवर्ड जा रहा था, ये अपवर्ड के केस में है, व्हीकल अपवर्ड मूव कर रहे हैं। एक तीसरा सिनेरियो आ गया आपका, एक व्हीकल जा रहा है फ्लैट सरफेस पे जब जा रहा है तो उसकी जो इनिशियल स्पीड है जो वो है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर की। फिर उसने एकदम से ब्रेक लगा दी उसने, तो फाइनल स्पीड जो उसकी बन गई, अब यहां पर तो लिखा होगा आपको कि ब्रेक लगानी है, फाइनल स्पीड जो आएगी उसकी वो आएगी 0 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब यहां पर जो उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 ही है, उसका परसेप्शन रिएक्शन टाइम है, जो परसेप्शन रिएक्शन टाइम वो है आपका 3 सेकेंड। अब फर्स्ट केस में हमने जो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है ये तो आपको मैंने समझाया भी था ना, बी फाइनल अपॉन 2 × g G+μ। वी जो 40 किलोमीटर पर आवर है, हमने 40 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो 11.111 मीटर पर सेकंड आ गया। फाइनल स्पीड है जो आपकी 10 किलोमीटर पर आवर की है जो स्पीड है, जब इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो मीटर पर सेकंड में ये फाइनल आ गई आपकी, ये Vf आ गई, ये Vi आ गई। अब मैंने सारी सारी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, इसमें Vi क्या है, इतनी आपकी यहां पर 11.111 का स्क्वायर माइनस 2.777 का स्क्वायर डिवाइड बाय, आपको जी की वैल्यू मालूम है कि 9.81 होती है। अब इसमें जो जी है ये स्लोप है 2%, 2% का मतलब होता है 2/100, 0.02, 0.02 प्लस म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये वाला 0.5, इस सबकी जो वैल्यू आ गई आपकी 11.344 मीटर्स आ गई। अब जब डाउनवर्ड जा रहे हैं तो एवरीथिंग इज सेम, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी बात है जो स्लोप है वो 2% है, ये नीचे की तरफ माइनस में आ जाएगा फॉर्मूले में, -2.777 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 9.81 इनटू यहां पर आपका जो वैल्यू है माइनस में आ जाएगी +0.5, तो इसकी वैल्यू जो आ गई आपकी 12.20 मीटर्स आ गई। अब जो तीसरा पोजीशन है इसमें आपकी जो व्हीकल जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जाने का मतलब क्या होगा, आपका ये जो जी है स्लोप है जी आपकी बन जाएगी इसमें जी इज इक्वल टू 0। जब हम सब सारी सारी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो वी आई वी 40 किलोमीटर पर आर इसके हिसाब से 11.111 का स्क्वायर आ गया, माइनस जो फाइनल स्पीड है आपकी 0 किलोमीटर पर आवर है तो 0 ही रहेगी। मैंने अगर सीधा भी लगा सकता था यहां पर, लेकिन मैंने आपको याद कराने के लिए ये फॉर्मूला लिख दिया था, सो दैट आपको कब कोई किसी टाइप का भी क्वेश्चन आ जाए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और भूलेंगे नहीं। डिवाइडेड बाय अब 2g हमने लगा दिया ये वाला राइट। अब सिंस क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सरफेस पे जा रहा है तो g तो आपका 0 आ गया। इसमें इसमें क्या है, जो 5 है जी 0.5 है वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 राइट। अब जब इसको फाइनल करेंगे हम तो 12.58 मीटर्स आ गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है आपका थर्ड का सेकंड पार्ट बी पार्ट जो आपका, वो कह रहे हैं आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालने के लिए। स्टॉपिंग डिस्टेंस का मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि
जितना परसेप्शन टाइम है, परसेप्शन टाइम इनटू परसेप्शन टाइम तीन तीन है इनटू आपकी जो इनिशियल स्पीड थी आपकी 11.111 प्लस अब ये ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका। इसमें ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ब्रेकिंग डिस्टेंस 12.58 है। मैं दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब यहाँ पर हमने शो करके आप यहाँ पर इसको वैल्यू को पुट कर देंगे तो प्लस 12.58 राइट। अब ये आप सारे का सारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 45.918 मीटर्स यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस शेयर कर सकूं, अपलोड कर सकूं। थैंक यू।